मुंबई के वर्ली में हुए BMW हिट एंड रन मामले को लेकर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। बता दें कि BMC ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल BMC ने उस बार के अवैध हिस्से को तोड़ा है जहां हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। आज BMC के अधिकारी जुहू स्थित उस बार पहुँचे और उसके अवैध हिस्सों को मिट्टी में मिला दिया। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, हमें मना किया जा रहा है, लेकिन ये जो एक्शन इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है ये एनक्रोचमेंट का हिस्सा था, ये इलीगल था, जिस पर अब तोड़क कार्रवाई BMC कर रही है। आपको बता दें ये पूरा पोर्शन अब BMC इसे हटाएगी। मनोज इस तरफ आइए, जरा हम एक बार BMC से बात करके जानेंगे। सर केवल एक चीज आपसे जानना था, केवल एक चीज मुझे बताइए, ये हिस्सा ही केवल इसे तोड़ा जा रहा है, मतलब बाइट देने से? ये शख्स BMC से है, ये पूरी कार्रवाई पर पैरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से सबसे बड़ी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और साथ ही BMC के जो एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, जिन्हें जब जानकारी प्राप्त होती है किसी प्रॉपर्टी ने एनक्रोचमेंट की है, इलीगल हिस्से बनाए हैं, देखिए ये हमेशा फ्लोर इंडेक्स की बात की जाती है, ये हिस्सा साफ तौर पर इलीगल था जिस पर अब तोड़क कार्रवाई BMC के एनक्रोचमेंट रिमूवल डिपार्टमेंट द्वारा आपको सामने नजर आ रही है। के वार्ड का हिस्सा है, ये के वार्ड में आता है, यहाँ पर कुछ ही देर में वार्ड ऑफिसर भी आएंगे, लेकिन लगातार यहाँ पे मुंबई पुलिस और साथ ही जुहू पुलिस जो उन्हें असिस्ट कर रही है, पूरी टीम तैनात है। यहाँ पर BMC के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ पर देखिए जो मेंटेनेंस की भी टीम है के वार्ड की, वो भी यहाँ पर आ पहुंची है, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर केवल एक चीज आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कितना हिस्सा निकाला जा रहा है सर? बहरहाल आप यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस और रिमूवल की टीम यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी श्वेता, बड़ी कार्रवाई। और सब ये एक तरीके से यह भी सवाल उठाते हैं कि क्यों जब इतने बड़े हादसे होते हैं उसके बाद जाकर जो अथॉरिटीज हैं वो जगते हैं। BMC को इसके बारे में पहले ही ज्ञात होना चाहिए था कि ये इलीगल है, इलीगल तरीके से इतने सालों से चलता आ रहा है, और ये कार्रवाई पहले हो सकती थी, क्योंकि अब ये मीडिया में कई दफा दिखाया जा रहा है, इसलिए जाकर अब ये जो बड़ी तोड़क कार्रवाई है ये हो रही है। कल मुंबई पुलिस ने इस हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को करीब 60 घंटे बाद गिरफ्तार किया था। दरअसल हादसे के बाद से ही मिहिर शाह फरार था, उसकी फरारी को लेकर सवाल भी उठ रहे थे। वहीं मिहिर शाह के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद BMW हिट एंड रन हादसे में जान गंवाने वाली कावेरी नकवा के पति ने भी कई सवाल उठाए हैं। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के, उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है, हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है, तुम छुपता क्यों रहा? अगर तू गुनाह नहीं किया ना, सच्चे दिल से गुनाह नहीं किया, तो तू छुपा क्यों है? हमको बताओ ना। अभी देखो 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा, अब उसके पास 20 वकील रहेंगे, हम गरीब आदमी है, हमको कौन न्याय देगा? हमको न्याय देने वाला कौन है, बताओ आप? बता दें कि एक्सीडेंट के बाद से ही मिहिर शाह अपने दोस्तों और परिवार की मदद से छिपा हुआ था। हालांकि पुलिस ने उसके दोस्त के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।